हेलो बच्चों, स्वागत है पुनः आपका एकेडमी कैरियर में। मैं हूं अविनाश द्विवेदी। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि किसी भी कंपाउंड में, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसके कॉमन नेम और ईपीसी नेम में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने वहां पर चर्चा की थी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग आइसो लगाते हैं, कब नियो लगाते हैं और कब हम लोग नॉर्मल लगाते हैं। आज हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे आईयूपीएससी सिस्टम की। और आईयूपीएससी सिस्टम बेटा आपके एग्जामिनेशन बोर्ड के हिसाब से, और साथ ही बात करें कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका आईयूपीएससी सिस्टम जरूर से जरूर आता है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता है कि जहां पर आईयूपीएससी सिस्टम के बारे में आपसे क्वेश्चन पुटअप ना हो। कॉमन सिस्टम सिर्फ एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, स्पेसिफिक स्टेट के लिए होती है, स्पेसिफिक प्लेस के लिए होती है, कि जिसमें हम लोग कम्युनिकेट करके, एक दूसरे से बात करके किसी भी कंपाउंड के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग हम हर जगह उसका यूज़ हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आईयूपीएससी सिस्टम में जब हम किसी भी कंपाउंड का नामन क्लियचर करते हैं, वो बेटा हर जगह इंटरनेशनल पूरे जगह पर एक ही नेम होता है। उसको आप लोग कहीं से परचेज कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं उसके बारे में कि वो क्या है। क्लियर? तो आपको हमने बताया था कि कहीं पर दारू बोला जाता है, कहीं रम बोला जाता है, कहीं पर कुछ और होता है, और एथेनॉल एथेनॉल ही होता है। तो आज हम लोग बेटा चर्चा करते हैं आईयूपीएससी सिस्टम के बारे में। और आईयूपीएससी मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये बेटा आईयूपीएससी सिस्टम जो है बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। वो चाहे आप जिस लेवल पर जाएंगे, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। और जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी पेपर्स होते हैं, उसमें मान लीजिए कि बेटा 1-3 क्वेश्चन आपके आईयूपीएससी सिस्टम से ही बिलोंग करते हैं। और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि जब भी हम लोग रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन में अगर आपको कंपाउंड का नेम ही नहीं पता है तो आप लोग कैसे रिएक्शन कराओगे। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बस इसको आपको गौर से देखना होता है, समझना होता है। लेकिन बच्चों को और बहुत से ऐसे जो हम लोगों के साथीगण, आजकल पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी का एग्ज़ाम में उसमें तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों का यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड, ये सब तो आपके बच्चे, मतलब बच्चे लोग तैयारी कर ही रहे हैं। तो सबसे बड़ा एक सबके दिमाग में फोबिया बना हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ लगती है। ठीक है, तो टफ लगता क्यों है, क्या रीज़न है टफ लगने का? टफ मतलब वही होता है जो हमको आता नहीं है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता है बच्चों या मित्रों कि किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम टफ हो। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो टफ नहीं है, अगर नहीं आते हैं तो टफ है। क्लियर? तो हम लोग बेसिक नॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं आईयूपीएससी सिस्टम से। आईयूपीएससी सिस्टम से लेकर आप लोग जितने भी कंपाउंड हैं, हमको लगता है कि अगर आप लोग ठीक से वीडियो और कवर करते हैं और उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमको ये लगता है कोई क्वेश्चन आपसे बचने वाला है। ठीक है, और इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपको आईयूपीएससी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको बचे या मिले तो आप बेटा इसको कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको जो इस प्रॉब्लम को रिमूव करते हैं। ठीक है, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में हम किसी भी नॉमेनक्लेचर को फर्स्ट 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 पार्ट में, बीच का पार्ट होता है रूट, रूट चेन। रूट चेन के पहले बेटा प्रीफिक्स आता है और रूट चेन के बाद आपका आता है सफिक्स। क्लियर? प्रीफिक्स पूर्व लग्न, प्रीफिक्स पूर्व लग्न एंड सफिक्स अनुलग्न। नाम सही लग रहा है बेटा, जो रूट चेन के बाद लगेगा वो अनुलग्न या सफिक्स, और जो आपका रूट चेन के पहले लगेगा उसको हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स। क्लियर?
अब प्रीफिक्स और सफिक्स को भी हम लोग टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स। सफिक्स को भी टू पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स सफिक्स एंड सेकेंडरी सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अनुलग्न में प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न, पूर्व लग्न में प्राथमिक अनुलग्न एंड द्वितीयक अनुलग्न। क्लियर? तो हम लोग पहले बात चर्चा करेंगे रूट चेन की, कि रूट चेन क्या होता है। उसके बाद प्रीफिक्स लगाएंगे, फिर सफिक्स लगाएंगे, फिर पूरा कंपाउंड जो होल देखेंगे। क्लियर? ठीक है बेटा। हाँ तो बच्चों, हम लोग बात करते हैं कि रूट चेन के साथ प्राइमरी सफिक्स लगाकर। ठीक है, देखिए बेटा, रूट चेन की बात करते हैं। रूट चेन में नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड होता है। रूट चेन क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। अगर आपके पास वन कार्बन है, सिर्फ वन कार्बन की चेन है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं मिथ से। टू कार्बन चेन एथ, मिथ सिर्फ वन कार्बन, टू कार्बन में इस टाइप से अटैच होगा। थ्री कार्बन प्रोप, वन कार्बन टू कार्बन एंड थ्री कार्बन। फोर कार्बन होगा तो ब्यूट, वन टू थ्री फोर। फाइव कार्बन पेंट, वन टू थ्री फोर फाइव। तो इसे बेटा टाइप से सिक्स कार्बन को हम लोग डिनोट करते हैं हेक्स, सेवन कार्बन को डिनोट करते हैं हेप्ट, एट कार्बन को डिनोट करते हैं ऑक्ट, नौ कार्बन से नन एंड टेन कार्बन को डिनोट करते हैं डिप। रूट चेन में नंबर ऑफ कार्बन की हम लोग बात करेंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन में वन कार्बन मिथ, टू कार्बन एथ, थ्री कार्बन प्रोप, ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑफ नन डेप। क्लियर बेटा? और सभी लोग एक चेन से अटैच होंगे, जैसे दिखाया गया। आप टेन कार्बन तक बनाएंगे तो स्पेस तो है नहीं, तो आप लोग इसे समझ लेंगे कि हम लगातार चेन बॉन्ड ऐड करते जाएंगे, आपका रूट चेन का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। क्लियर बेटा? जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन देख कर हम पहचान जाएंगे कि हाउ मैनी कार्बन अटैच्ड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड व्हाट इज द रूट मींस रूट चेन नेम। तो देन वन कार्बन मेथ, टू कार्बन एथ, थ्री कार्बन प्रोप, फोर कार्बन ब्यूट, फाइव कार्बन पेंट, सिक्स कार्बन हेक्स, सेवन कार्बन हेप्ट, एट कार्बन ऑक्ट, नाइन कार्बन नन एंड टेन कार्बन डेक। राइट? अब बेटा हम लोग बात करेंगे प्राइमरी सफिक्स में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आपको कंपाउंड में शो ऑफ होगा। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन एंड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। इसको हम लोग रूट चेन के बाद लगाते हैं, एन इन एंड आइन। अगर सब ऑर्गेनिक सभी कार्बन कंपाउंड कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स अटैच हैं वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं तो एन, डबल बॉन्ड से अटैच हैं तो इन एंड ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हैं तो आइन। इसको हम लोग बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा,
फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, CH3, ठीक है। सबसे बेटा स्पेसिफिक तरीका होता है कि हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का उसका स्केलेटन बना लें, कार्बन स्केलेटन बना लें, हम लोगों को काउंटिंग करने में भी आसानी रहेगी और साथ ही साथ उसमें कितने बॉन्ड किस टाइप से अटैच हैं वो भी हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। ऐसा कोई कंपाउंड आपको दिया है हमने, सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है इसमें भी, CH3, CH2, CH3। हाइड्रोजन की बात करें, अगर हाइड्रोजन को अगर आप रिमूव भी कर देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ से हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें तो क्या होगा, C सिंगल बॉन्ड C। जब मैं हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव किया तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो कार्बन की बात करें तो यहाँ पर 3 कार्बन है, 1, 2, 3। तो 3 कार्बन को आप कैसे लिखेंगे, रूट चेन क्या लिखेंगे, प्रोप। और जब सब कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं तो लास्ट में ऐड करेंगे हम लोग एन, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेन। जैसे टाइप में CH3, CH2, 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 CH3। सबसे पहले आप लोग हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए, आपको स्केलेटन दिखाई पड़ेगा और सभी कार्बन जो हैं वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। तो काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो जब सब कार्बन बेटा सिंगल बॉन्ड से अटैच है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, रूट चेन में याद करिए, पेंट। प्लस सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो ऐड करेंगे हम लोग एन, तो ओवरऑल नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्लियर बेटा। तो इसी टाइप से CH3, CH2, 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 CH3। ये दिखाई पड़ रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए तो 1 कार्बन 2nd 3rd 4th 5th 6th। 6 कार्बन है, सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब सिंगल बॉन्डेड अटैच है। तो हमने क्या कर लिया, 6 कार्बन मतलब रूट चेन हो जाएगा हेक्स, सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो ऐड करेंगे हम लोग एन, नाम हो जाएगा इसका बेटा हेक्स एन। डेट्स क्लियर। ओके, अब देखिए बेटा, कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को एक लाइन ड्रा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये तो हो गया आपको कार्बन दिखाई दे रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लाइन ड्रा स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका नाम IUPAC में कैसे रखेंगे। इसको करने के लिए आपको जितने भी कॉर्नर दिख रहे हैं और जितना भी साइड दिख रहा है, जितने भी नंबर ऑफ कॉर्नर दिख रहे हैं, या इसको और हम लॉन्ग कर लें, और साइड दिख रहा है, उतनी जगह पर हम लोग कार्बन को लिखते हैं। जैसे लिख लिया, ये लिख लिया, पहले आपको लाइन ड्रा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा, उसके बाद आपने क्या किया, सब जगह पर कार्बन रखे। कार्बन रखने के बाद अब हम लोग को साफ साफ नंबर ऑफ कार्बन दिखाई पड़ रहे होंगे,
ध्यान रखिएगा, जितने भी कॉर्नर दिखाई पड़ेंगे वहाँ पर और जहाँ पर भी आपको उसका सिरा दिखाई देगा या फिर हम लोग कैसे साइड दिखाई देगी वहाँ पर भी हम लोग कार्बन को रखेंगे। अब उसके बाद काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 कर लिया। अब रूट चेन कितने कार्बन लगे हुए हैं, 5 कार्बन। 5 को हम लोग कहेंगे पेंट, सब सिंगल बॉन्ड अटैच हैं तो क्या ऐड करेंगे बेटा, एन, नाम हो जाएगा इसका पेंटेन। इसके काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7। 7 का रूट चेन होता है हेप्ट, सब सिंगल बॉन्ड अटैच है, नाम हो जाएगा हेप्ट सिंगल बॉन्ड, सब सिंगल बॉन्ड से है तो एन हो गया, नाम हो जाएगा इसका हेप्टेन। लास्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 कार्बन है, यहाँ पर कितने कार्बन थे 5, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। 8 के लिए क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, ऑक्ट। 8 के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्ट, ऑक्ट। और सब सिंगल बॉन्ड अटैच है, देखिए बेटा सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो ऑक्ट प्लस एन, इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। क्लियर बेटा, ध्यान दीजिए जब हम लोगों को हाइड्रोकार्बन के टर्म में लिखा होगा तो आप लोग पहले हाइड्रोजन को रिमूव करिए, सबसे पहले किसी भी हाइड्रोकार्बन को दिया जाए सबसे पहले हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए, वो हाइड्रोजन जो कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो, तो आपको एक स्केलेटन दिखाई पड़ेगा, वो स्केलेटन में आप समझ जाते हैं कि किस बॉन्ड में कौन सा कार्बन अटैच है, कितने कार्बन लगे हुए हैं और वो कार्बन एक दूसरे से किससे अटैच हैं। सेकंड, जब आपको लाइन स्ट्रक्चर दिखाई दे तो लाइन स्ट्रक्चर में जितने भी कॉर्नर होता है जितना साइड होता है वहाँ पर आप लोग 1-1 कार्बन लिख लेंगे, फिर इसको काउंट कर लेंगे, काउंट करने के बाद वो आपकी बन जाती है रूट चेन। अब जिस बॉन्ड से अटैच हो, जो जिस टाइप का प्राइमरी सफिक्स अटैच हो, जैसे आपका सिंगल बॉन्ड अटैच है या डबल बॉन्ड अटैच है या ट्रिपल बॉन्ड अटैच है, तो उसके जगह पर वैसे नाम लोग प्लेस करते चले जाते हैं। क्लियर। अब हम लोग बड़ा बात करते हैं कि जब चैन में डबल बॉन्ड अटैच हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबसे स्मॉलेस्ट है एल्कीन है, जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है ध्यान रखिए बेटा, जहाँ भी डबल बॉन्ड होता है वो होता है एल्कीन, डबल बॉन्डेड एल्कीन, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 में यहाँ पर पहले हमने क्या बताया था आपको कि हाइड्रोजन को रिमूव कर ले, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो C डबल बॉन्ड C दिखाई पड़ेगा। तो अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसको एक पहले जनरल फार्मूला बना लेते हैं, जनरल फार्मूला अप्लाई करने के बाद अब आप लोग इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेटा हम लोग लिखते हैं रूट चेन, सबसे पहले लिखा जाता है रूट चेन प्लस पोजीशन प्लस डाई ट्राई टेट्रा और प्लस प्राइमरी सफिक्स। ये आप बेटा फॉर्मूला याद रखेंगे, यही आपका रूल होता है। किसी किसी बुक में बेटा पोजीशन को इंडिकेट नहीं किया गया है, अगर 1 पोजीशन पर है तो इसका कोई आप ये इशू मत करिएगा कि किसी बुक में नहीं दिया गया है और किसी बुक में दिया गया है, हालांकि ये तो फॉर्मूला किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये तो फॉर्मूला बनाया गया है बस आप लोगों को कोई फॉर्मूला आसानी से कैसे क्लियर कर सके बस।
तो ये पोजीशन किसी किसी बुक में दिया भी गया, किसी किसी बुक में नहीं दिया गया। तो आप लोग बेटा याद रखिएगा, किसी भी फंक्शनल ग्रुप की या कोई भी आपका प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स हुआ, अगर आप पोजीशन लिख देते हो तो क्लियरिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और नहीं भी लिखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, आपने हाइड्रोजन रिमूव किया, सी कार्बन सी आ गया, ठीक है, बीच में क्या लगा है, डबल बॉन्ड। अब देखिए बेटा, पहले हम लोग बात करते हैं रूट चेन की, तो कितने कार्बन है बच्चों, टू कार्बन है, टू कार्बन लोग क्या लिखेंगे रूट चेन में, एथ, क्लियर। फिर पोजीशन, पोजीशन कैसे मालूम करेंगे, तो इसके लिए हम लोग करते हैं बेटा पोजीशन के लिए काउंटिंग, काउंटिंग करेंगे। और काउंटिंग किधर से करेंगे, जहां से आपका ग्रुप पास में पड़ता है, जहां से ग्रुप पास में पड़ेगा हम लोग काउंटिंग वहीं से करेंगे। तो यहां पर काउंटिंग कर ले, वन टू, वन के बाद डबल बॉन्ड पड़ रहा है तब काउंटिंग इधर से किया। कुछ बच्चों का दिमाग और चल सकता है तो यही कर सकते हैं, वन टू, यहाँ से भी डबल बॉन्ड पास में वन कार्बन के बाद ही पड़ रहा है, तो दोनों काउंटिंग सही है, चाहे आप लोग ऊपर की तरह करिए चाहे नीचे की तरह करिए। तो हमने मान लिया, ये हमने ऊपर वाली काउंटिंग मान लिया, C डबल बॉन्ड C, वन टू, क्लियर। अब देखिए बेटा, जो आपका वन टू आया, इसमें कितने कार्बन है बच्चों, टू कार्बन, टू कार्बन हम लोग क्या लिखेंगे, एथ। अब वन के बाद डबल बॉन्ड पड़ रहा है ना, वन के बाद डबल बॉन्ड पड़ रहा है तो सर पोजीशन लिखेंगे ना, तो जिसके बाद डबल बॉन्ड पड़ रहा है पोजीशन वही लिखी जाती है, वन, पोजीशन वन के बाद डबल बॉन्ड पड़ रहा है तो वन। फिर डाई ट्राई टेट्रा, तो बेटा देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये जो डाई ट्राई टेट्रा वर्ड आता है, अगर डबल बॉन्ड दो बार आता है तो डाई, तीन बार आता है तो ट्राई, फोर टाइम आता है तो टेट्रा यूज करते हैं, अगर पाँच सिक्स सेवन ऐसे आ जाए तो आपका पेंटा, हेक्सा, हेप्टा कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम तीन चार तक देखे जाते हैं, ज़्यादा इससे आता होता नहीं है। तो डबल बॉन्ड वन टाइम आया है तो वन टाइम के लिए तो मोनो यूज होना चाहिए, लेकिन मोनो का वर्ड यहाँ पर कहीं पर यूज दिखाई नहीं देता है, तो मोनो कभी नहीं लिखते हैं, मोनो मतलब वन, चाहे लिखे हो चाहे मत लिखे, मोनो नहीं लिखा जाता। तो एथ वन, मोनो लिखा नहीं जाता, तो ये गायब हो गया। प्लस प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स के लिए हम लोग लिखते हैं इन, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है तो क्या लिखेंगे बच्चों, इन, तो नाम क्या हो जाएगा, एथ वन इन। बहुत किताबों में आपको मिलेगा एथीन, ये भी सही है, एथीन वन भी मिल सकता है तो ये भी सही है, ठीक है। लेकिन बेटा ये किस मोनो के लिए सही भी रहता है, लेकिन अगर डाई ट्राई वर्ड आ जाता है, दो बार आ जाता है, तीन बार आ जाता है, तब ये रूल रेगुलेशन यहीं पर मिस्टेक करने लगते हैं, तब दिक्कत होने लगती है। तो सबसे अच्छा रहेगा आप इसी रूल को फॉलो करिए, कभी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। इसी टाइप से हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, सेकंड एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये दिया गया आपको। फर्स्ट क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट हम लोग करेंगे जितने हाइड्रोजन है उनको हम लोग रिमूव कर देंगे। जो हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, आपको रूट चेन दिखाई दी गई, आपको स्केलेटन मिल गया। स्केलेटन मिलने के बाद क्या करोगे, काउंटिंग, पोजीशन की काउंटिंग के लिए। तो काउंटिंग में ध्यान दीजिए बच्चों, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, फटाक से सोच के बताइए कौन सा सही है, ऊपर वाला कि नीचे वाला। ऊपर वाला जो लिखा है आपका वन टू थ्री फोर, और जो डाउन में लिखा है वन टू थ्री फोर, कौन सही होगा। आपको तुरंत याद होना चाहिए कि हमने क्या बताया आपको, कि जहां से ग्रुप पास में पड़ेगा काउंटिंग वहीं पे सही होगी। तो
जो आपने ऊपर लिखा है 1 2 3 4, ये आपका चैन काउंटिंग गलत हो जाएगा और नीचे वाली चैन काउंटिंग सही हो जाएगी। क्लियर? तो अब आप लोग सही पैटर्न लिखेंगे 1 1 2 3 4। अब देखिए बेटा, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, रूट चेन। रूट चेन का नाम क्या हो जाएगा बताओ बेटा, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन मतलब ब्यूट। अब पोजीशन किसके बाद आ रहा है? देखिए 1 2 3 4, 1 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3 4, 1 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, तो पोजीशन को क्या लिखेंगे, 1। नेक्स्ट डाई ट्राई टेट्रा, क्या आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 या 3 बार दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये वर्ड का यूज करना ही नहीं है। अब क्या बचा है, डबल बॉन्ड का नाम, सॉरी प्राइमरी सफिक्स का नाम। तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए यूज क्या करते हैं बेटा, इन। नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट वन इन। क्लियर? नेक्स्ट चलो, तो अब देखिए बेटा, आप लोग कुछ देर वीडियो पॉज करें और इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलो तब देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिख रहा होगा। आपने क्या किया, फर्स्टली पहले आप लोग हाइड्रोजन को रिमूव करें, तो C डबल बॉन्ड C, ये दिखेगा। काउंट करिए नंबर को, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। दोनों तरफ से देख रहे हैं आप कि दोनों तरफ से डबल बॉन्ड की जो काउंटिंग है वो सेम पड़ रही है, पोजीशन सेम है। 1 2 के बाद भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, अगर इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 के बाद भी डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जब दोनों तरफ डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है सेम है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे जो भी ले लीजिए, चाहे ऊपर से काउंट करिए चाहे नीचे से काउंट करिए, नेम सेम रहेगा। नाम लिखने में क्या करोगे, रूट चेन बताया गया था, फॉर्मूला याद करिए। रूट चेन में आपका नंबर ऑफ कार्बन 4 मतलब ब्यूट। देखिए बेटा, तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन हो जाएगा आपका ब्यूट प्लस। इसके बाद आपने ध्यान दिया होगा, हमने पोजीशन बात की थी ना, तो पोजीशन किस पोजीशन के बाद आया डबल बॉन्ड, सोच के बताइए। तो दूसरे के बाद आ रहा है, सेकंड के बाद आ रहा है, सेकंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, किसके बाद आ रहा है, सेकंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, तो पोजीशन क्या हो जाएगा, 2। पोजीशन क्या हो जाएगी, 2। कितने टाइम आया है, 1 टाइम आया है। 1 टाइम के लिए आप लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे इसमें। फिर डबल बॉन्ड का नेम इन, नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूट 2 इन। चेक करिए कॉपी में, सही किया आपने, तो ब्यूट 2 इन। इसकी हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, क्लियर। यहां पर देखिए बेटा, अगर हम लोग काउंट करें तो डबल बॉन्ड किधर से पास पड़ सकता है, अगर लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, और राइट से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो किधर से डबल बॉन्ड पहले पास में पड़ेगा, तो दिख रहा होगा बेटा आपको, राइट साइड से डबल बॉन्ड पहले पास में पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5, ये आपकी काउंटिंग सही आएगी, ये वाली काउंटिंग लेफ्ट साइड से काउंटिंग बेकार हो जाएगा। तो ये काउंट करोगे तो यहां पर देखते हैं हम लोग कितने कार्बन दिख रहे हैं, पेंट हो गया। फिर पोजीशन लिखते हैं, किसके किसके बाद डबल बॉन्ड पड़ रहा है, कितने कार्बन के बाद डबल बॉन्ड पड़ रहा है, तो
तो वन कार्बन के बाद डबल बॉन्ड पड़ रहा है, थ्री कार्बन के बाद डबल बॉन्ड पड़ रहा है, तो लिख लेंगे 1.3, 1.3, ठीक है। उसके बाद कितनी बार आ रहा है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो आया है कितनी बार आया है, टू टाइम आया है। टू टाइम के लिए क्या करोगे, डाई लिखोगे, टू टाइम के लिए डाई, तो पेंट 1.3 डाई, पेंट 1.3 डाई। और डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, इन, तो नेम क्या हो जाएगा, पेंट 1.3 डाई इन, पेंट 1.3 डाइन, डाइन, तो डाइन याद रखिएगा, तो पेंट 1.3 डाई इन, क्लियर। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग वही हाइड्रोजन कार्बन में हाइड्रोजन हटाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और देखते हैं डबल बॉन्ड किसके किस बात पर रहा है, टू के बाद, नेक्स्ट लास्ट। सोच के बताइए बेटा काउंटिंग कहाँ से करोगे, थर्ड क्वेश्चन में काउंटिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट साइड से, क्यों लेफ्ट साइड से होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में फर्स्ट कार्बन के बाद डबल बॉन्ड पड़ रहा है, अगर राइट साइड, सॉरी राइट साइड से डबल बॉन्ड जो पड़ रहा है वन कार्बन के बाद, और अगर आप लोग यहाँ से काउंटिंग करते तो सेकेंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड पड़ता, तो नेम बताइए फट से, सेवन कार्बन है, सेवन क्या लिखोगे आप लोग, हेप्ट, क्या लिखेंगे हम लोग, हेप्ट। उसके बाद पोजिशन, वन कार्बन, थ्री कार्बन, फाइव कार्बन, 1.3.5 कार्बन, कितने टाइम आया है, तो तीन बार आया है, तीन के लिए क्या करोगे, ट्राई, और डबल बॉन्ड आया है तो लिखेंगे हम लोग इन। इस प्रकार से हम लोग तीनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट हो जाएगा ब्यूट टू इन, बुक में आपको ब्यूटीन टू भी दिखाई देगा, बहुत से टीचर्स आपको ये भी बताएंगे ब्यूटीन टू सही है, लेकिन ब्यूटीन टू भी सही है, लेकिन ब्यूटीन ब्यूट टू इन भी सही है। दिक्कत कहाँ फंसेगी फिर आपको हम बता चुके हैं, जब डाई और ट्राई आ जाएगा तब बेटा क्या लिखोगे, पेंट इन डाई 1.3, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो इसलिए फिर हम बता रहे हैं पोजीशन को आप लोग पहले लिखेंगे, कभी क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं होगी। अगर आप यहाँ पर रूल चेंज करते हो, यहाँ पर रूल चेंज करते हो, कई बार रूल चेंज कर दोगे, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कई बार रूल चेंज करोगे गड़बड़ हो जाएगा ना, तो आप लोग सिंपल फॉर्मूला देखेंगे, पहले रूट चेन, फिर पोजीशन, फिर डाई ट्राई टेट्रा, फिर स्पेसिफिक नेम, जो फंक्शनल जो ग्रुप आपके पास लगा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं सेवन कार्बन, सेवन कार्बन में हेप्ट, वन के बाद डबल बॉन्ड है, थ्री के बाद डबल बॉन्ड है, फाइव के बाद डबल बॉन्ड, 1.3.5 ट्राई इन, क्लियर बेटा, ओके।